दुनिया को दूसरी जंग अजीम की आग में झोंकने वाला अडोल्फ हिटलर 16 साल की उम्र तक तो एक आम से चर्च का पादरी बनना चाहता था, लेकिन वक्त को क्या मालूम था कि पहली जंग अजीम का एक आम सा डाकिया दुनिया की दूसरी जंग अजीम की सबसे बड़ी वजह बनेगा। मारखोर टीवी के अजीज साथियों को मारखोर टीवी का अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया को जंग अजीम 2 की आग में झोंकने वाला ये इंसान जिसे दुनिया हिटलर के नाम से जानती है के मुतलक बहुत सी दिलचस्प और हैरान कन बातें मशहूर हैं। उन्हीं बातों का जिक्र हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें मारखोर टीवी को और साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे नाज़रीन, तारीख के सफ़ों में दुनिया का ज़ालिम तरीन इंसान माने जाने वाला ये शख्स जर्मनी से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। माँ बाप के मरने के बाद हिटलर रोजगार की तलाश में एक नाकाम पेंटर बना, जो बाद में एक चर्च का पादरी भी रहा। बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क की फौज ऑस्ट्रेलिया में भर्ती के लिए इम्तिहान भी दिया था, जो वो पास ना कर सका। दोस्तों, हिटलर अपने बाप के सख्त रवैये की वजह से उससे बेहद नफरत करता था, जबकि दूसरी जानब वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। यहाँ तक कि हिटलर ने खुदकुशी भी अपनी माँ की तस्वीर सामने रख के की। हिटलर को अपनी 23 साल भतीजी से इश्क हो गया था, जिसकी वजह से हिटलर ने अपनी ताकत के जोर पर अपनी सकी भतीजी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से हिटलर की उस भतीजी ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, याद रहे हिटलर ने कुल 3 शादियां की थी। हिटलर जिसका नाम सुन के जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांप सी जाती है, जवानी में बेरोजगारी से तंग आकर जर्मनी की फौज में एक आम सा डाकिया भर्ती हुआ था। हिटलर की अजीब आदत ये थी कि वो हर तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनाकर देखता था कि उसका ये अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल तौर पर फोटोग्राफर भी रखा हुआ था। दोस्तों, हिटलर सुबह 11 बजे जागता था और रात लेट तक काम करता था। हत्ता कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी दुश्मन फौजें फ्रांस में पहुंची तो वो गहरी नींद सो रहा था और उसके जर्नैलों ने बड़ी मुश्किल से उसे जगाया था। दोस्तों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला हिटलर खुद मौत से इतना डरता था कि उसे लगता था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, इसलिए उसने फूड टेस्टर्स को अपने लिए नौकरी पर रखा हुआ था, जो हिटलर का हर खाना हिटलर के सामने पहले खा के चेक करते थे। अजीज साथियों, दुनिया का ताकतवर इंसान समझने जाने वाला हिटलर को मुल्क से बगावत की सजा में 5 साल जेल भी हुई थी, मगर वो सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहे, उसके बाद उसे जमानत पर रहा कर दिया गया था। दोस्तों, हिटलर की अजीब मूछों के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। पहली जंग अजीम में जब जहरीली गैस से बचने के लिए हिटलर ने मास्क लगाया तो उसकी लंबी लंबी मूछों की वजह से उसे मास्क लगाने में दुश्वारी हुई, जिसकी वजह से उसने अपनी मूछें इतनी छोटी करवा दी थीं कि उसे मास्क पहनते हुए आसानी हो। उसके बाद उसने अपनी मूछें कभी बड़ी नहीं की। दोस्तों, मारखोर टीवी का मानना है कि ना तो माजी से मुंह फेरा जा सकता है और ना ही माजी की तारीख को बदला जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे माजी को याद करके खुश हुआ जाए और बुरे माजी को याद करके उससे सीखा जाए, और हिटलर की कहानी किसी बुरे माजी से कम नहीं। नाज़रीन, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी ईमानिल्लाह।